आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, पांचवा पैराग्राफ। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए, सुषमा आकर बोली। तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से होती है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। तो ये सारी बातें सुनकर जितने में सुषमा आ गई, उन तीन बच्चों की मम्मी, वो क्या कहती है कि हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमारा शरीर और कपड़े तो ठीक है, लेकिन हमारा घर भी साफ सुथरा होना चाहिए। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ बहू, ये बात तुमने सही कही और ये इस बात पर तुम खुद भी काम करती हो। तुम रोज़ सुबह जल्दी उठ के साफ़ सफाई करती हो, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, और बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु जो होते हैं वो जल्दी जल्दी फैलते हैं। अगर साफ़ सफाई नहीं होती है तो नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, उसमें कीटाणु हो जाते हैं। और दादाजी कहते हैं कि खुली धूप और ताज़ी हवा जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और तो और, हम जो पानी पीते हैं ना, वो भी शुद्ध होना चाहिए। पानी को हमेशा छान कर पीना चाहिए और साफ़ पानी पीना चाहिए। और अगर हम किसी कुएं का पानी ला के पी रहे हैं तो ऐसे कुएं का होना चाहिए जिसकी सफाई, साफ़ सफाई का रोज़ ध्यान रखा जाता है। तो इतने में तोशी कहता है कि हमारे गुरुजी ने भी कहा कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि ये तो सही बात कही, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ जो होती है वो गंदा पानी पीने से ही होती है। तो इसीलिए हमें हमेशा शुद्ध साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। आ जाइए सिक्स पैराग्राफ। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूँ, सुषमा की आवाज़ आई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ बिनबिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी वर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते गए। तो इतने में सुषमा कहती है कि खाना लगा दूँ, तो दादाजी कहते हैं याद आया, हम जो खाना खाते हैं ना वो भी एकदम शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, मतलब पहले का पड़ा नहीं रहना चाहिए, और पौष्टिक खाना खाना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, फल फ्रूट सब उसमें ऐड होने चाहिए। हमें खुली हुई चीज़ें जो होती है उन पर नहीं उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उन पर क्या होती है, मक्खियां बिनबिनाती हैं, तो फिर उनमें क्या होता है, गंदगी हो जाती है ना। तो और फल और सब्जियां खाते हैं तो उनको पहले अच्छे से पानी से धोकर फिर उनका उपयोग करना चाहिए। और खुली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पहले से फ्रूट सैलेड वगैरह काट कर रखे होते हैं वो नहीं खाने चाहिए। जब आपको खाना है तभी काट कर खाओ। और आजकल तो विद्यालयों में बच्चों को क्या होता है, डी वर्मिंग की गोलियां दी जाती है, ताकि जो पेट में कीड़े वगैरह होते हैं ना, तो उनकी वजह से वो मर जाते हैं और पेट की बीमारियां दूर हो जाती है। आयरन की गोलियां भी दी जाती है, जिससे स्वास्थ्य क्या होता है, तरोताज़ा रहता है। आगे आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हो जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गईं और बातें सुनकर कहने लगीं, कुछ मेरी भी सुन लो, खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़ें,
न गुस्सा करें और न ही चिंता करें, धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो जब खाना लगा था तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम कसरत करते हैं, व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, तो भी हमारा शरीर स्वच्छ रहता है, और हमें रोज़ाना ऐसे खेल खेलने चाहिए जिससे हमारी शरीर की कसरत हो जाए, जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्विमिंग, मतलब तैराकी, ये सब, मतलब जिनमें भाग दौड़ होती है ना, तो हमारा शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। ऐसे खेल खेलने चाहिए। इतने में दादी जी भी आ जाती हैं और वो क्या कहती हैं कि मेरी भी सुनो, हमेशा खुश रहो। खुश रहना जो होता है वो अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अगर कोई आदमी हमेशा खुश रहता है तो इसका मतलब उसका जो स्वास्थ्य है वो क्या है, अच्छा है। चिढ़ना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना बिना मतलब की चिंता करनी चाहिए। हमेशा पेशेंस रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए और खुश रहना चाहिए। इसीलिए सही कहा गया है, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। आप खुद हंसोगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और आप दूसरों को हंसाओगे तो आपका खुद का तो अच्छा होगा ही और दूसरों का भी अच्छा हो जाएगा। तो हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो ये पाठ जो है वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। अगर ये पाठ आपने अच्छे से सुना है तो आपने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखी होगी, और आपको इन्हें अपने जीवन में भी उतारना है। तो आ जाइए, आप देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। इन सारे गद्यांश के प्रश्नोत्तर आपको करने हैं क्रमवाइज, हमेशा जैसे करते हो। अब हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो पहला तो उच्चारण के लिए वो आपको करना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, सोचो और बताएं, सोचें और बताएं। पहला है, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? तो बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दूसरा, सुषमा ने उनके बीच जाकर क्या कहा? सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के पास बैठोगे तो काम की बात सीखोगे। प्रश्न तीन, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? तो इसका उत्तर है, शरीर स्वस्थ है तो जीवन सुखी होता है। भोजन करने, हंसने हंसाने, खेलने, काम करने का मन करता है, नींद अच्छी आती है, आलस्य नहीं रहता, इस प्रकार स्वस्थ शरीर से जीवन सुखी रहता है। अब है लिखे में, रिक्त स्थान का है पहला। बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। फिर टिक द करेक्ट, दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, ये बात किसने कही थी? दादाजी ने। प्रश्न तीन, शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? शाम के समय दादाजी चौक में मुड्ढे पर बैठे हुए थे। अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में, यह बात किसने और किसको कही? यह बात माँ सुषमा ने तोशी, बिट्टू और हनी तीनों बच्चों से कही। किराएदार के बच्चों का क्या नाम था? तो किराएदार के बच्चों का नाम खुशी एवं अनु था। दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई? दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक किराएदार के बच्चों के हाथ पांव की गंदगी को देखकर आई। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। तो उत्तर है, साफ सफाई रखो, भाई अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती है लिखो। तो लिखो, हमारे विद्यालय में पेट की बीमारियों के लिए, डी वर्मिंग तथा तरोताज़ा रहने के लिए आयरन व कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। तो ये आपके इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। तो ये सारे प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। सोचो और बताओ भी सोचो और बताओ के तीनों प्रश्न, ब्लैंक, टिक द करेक्ट और फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मतलब इस पाठ के पहले शब्दार्थ, फिर गद्यांश के प्रश्नोत्तर, उसके बाद में आपके ये सोचो और बताओ और फिर लिखें के सारे प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भाषा की बात और यह भी करें हैं वो आपको सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आपका पाठ 6, स्वस्थ तन सुखी जीवन आज फिनिश हो गया है।
तो अपना वर्क जो है वो सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको करना है।